अभी प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? मैं फिर आ गया आपसे मिलने के लिए, आपसे बातें करने के लिए, आपको कुछ समझाने के लिए। आज मैं आपके लिए कुछ नया लेके आया हूँ, आपके सीखने के लिए और आपको सिखा के जाऊँगा। सो प्यारे बच्चों, आपने इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखना है। देखने के बाद आपको वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप सीख गए तो बहुत अच्छी बात है। जब आप सीख जाओगे तो दूसरों को भी सिखाना। अरे, आपके साथी से बेनती है कि इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझें और बच्चों के ग्रुप में जरूर शेयर कर दो, क्योंकि जब आप सीख जाते हो पहले से सीखे हुए, तो आप बच्चों को ग्रुप में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि बच्चों का भला होगा। सो मेरा यूट्यूब चैनल द ग्रेट इंडियन जेके चंबर को जरूर लाइक करना। सो प्यारे बच्चों, आओ, आपके लिए आज नया टॉपिक है। क्या है टॉपिक? आओ चलते हैं टॉपिक की ओर। आज है पर्यावरण दिवस, एनवायरमेंट डे, जिसको वातावरण दिवस भी बोलते हैं। 5 जून है। तो इस डेट को, ये दिन मनाया जाता है पूरी दुनिया में। ये देखिए, पहले ये जो वातावरण दिवस है, जो एनवायरमेंट डे है, जो पर्यावरण दिवस है, धरती पर ही मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये भी बताऊंगा। आओ पहले चलते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर हो जाए ताकि आपको भी पता चल जाए पर्यावरण क्या होता है, एनवायरमेंट डे क्या होता है, वातावरण क्या होता है। पहले उसका पता हमें जरूर होना चाहिए। सो प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण किसे कहते हैं, या वातावरण किसे कहते हैं, या एनवायरमेंट किसे कहते हैं? सो प्यारे बच्चों, पहले इसका जो उत्तर है उसको देख लो, उसको बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा पूरी तरह से। पर्यावरण जो हमारे चारों ओर, जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है, और यह एक हवा का गिलास है, पृथ्वी पर काम कर रही अनेकों कुदरती शक्तियों से है, जिसलिए हर स्थान में अंतर होता है। प्यारे बच्चों, जो पर्यावरण है, जो वातावरण है, ये जो हमारे चारों ओर जो सामान पड़ा हुआ है, जहां हम रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, जो हमारे चारों ओर घट रहा है, उसे वातावरण कहते हैं, उसे पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण धरती पे एक हवा का गिलास है जो हमारे चारों ओर है, जो धरती पे फैला हुआ है, आसमान में फैला हुआ है। सो प्यारे बच्चों, ये जो गिलास है, इसी कारण हमारी धरती पर अनेकों कुदरती शक्तियां काम कर रही है। कुदरती शक्तियां कौन कौन सी है? पहले तो पृथ्वी कुदरती है, जंगल कुदरती है, सूरज कुदरती है, हवा कुदरती है, जल कुदरती है, और अनेकों प्रकार की कुदरती शक्तियां हैं जो हमारी पृथ्वी पर काम कर रही है। कहीं ज्यादा ठंड होती है, कहीं ज्यादा गर्मी होती है, कहीं कुछ भी नहीं होता, कहीं बर्फ पड़ी हुई है। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा पर्यावरण है, इसमें ही सब कुछ घट रहा है, सब काम हो रहे हैं इसमें। सो इसी पर्यावरण में हम रह रहे हैं, इसी पर्यावरण में हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है, यही वातावरण है। इसी हवा के गिलाफ में हम रहते हैं जो हमारे चारों ओर फैला हुआ है। सो प्यारे बच्चों, ये है पर्यावरण, ये है एनवायरमेंट, ये है वातावरण, जिसमें अनेकों कुदरती शक्तियां काम कर रही है। हमें पता नहीं चलता क्या हो रहा है,
मान लीजिए सूर्य वो हमें गर्मी देता है, वो हमें जीवन देता है, हर इंसान को, हर जीव जंतु को, हर पेड़ पौधे को वो जीवन दाता है। हवा है वो जब चलती है तो हमें ठंडक पहुंचाती है, हमें ऑक्सीजन देती है, वृक्ष है हमें ऑक्सीजन देते हैं, बहुत कुछ देते हैं। ये कुदरती शक्तियां हैं जो धरती पर काम करती है इसी वातावरण में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस, एनवायरमेंट डे, वातावरण दिवस कब मनाया जाता है और यह दिवस कब और कहां से शुरू हुआ? प्यारे बच्चों इसमें तीन क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन, तीनों का आंसर हमने लेना है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है और यह दिवस कब शुरू, कब और कहां से शुरू हुआ? सो प्यारे बच्चों पहले तो है ये वातावरण दिवस कब मनाया जाता है। अब आज के दिन 5 जून को पूरी दुनिया में वातावरण दिवस मनाया गया है, पर्यावरण दिवस मनाया गया है। और कब और कहां से शुरू हुआ इसका जो उत्तर है वो मैं तीसरे क्वेश्चन में दूंगा कि पर्यावरण दिवस कब शुरू हुआ, किसने शुरू हुआ, कहां से शुरू हुआ। यहां पे मैंने नहीं लिखा, यहां से आपको समझाऊंगा। ये पर्यावरण दिवस है ये पांच जून 1972 को, 1972 में शुरू हुआ था, उस समय कोई डेट नहीं थी इसकी। 1972 को शुरू हुआ वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। सो जो 5 जून है वो कब शुरू हुआ, कब शुरू हुआ कि यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल, जो यूएनओ का जनरल सेक्रेटरी था जिसका नाम है जेवियर प्रेज डी कुलर, जेवियर प्रेज डी कुलर वो जनरल सेक्रेटरी था यूएनओ का, जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। सो उसने क्या किया कि उसने 5 जून 1986 को अपने यूएनओ के ऑफिस के आगे एक पौधा लगाया 5 जून को, सन 1986 को। सो उसी दिन से ये जो 5 जून है इसको निश्चित कर दिया गया कि 5 जून को ही वातावरण दिवस, पर्यावरण दिवस और एनवायरमेंट डे पूरी दुनिया में मनाया जाया करेगा। सो उस दिन से ही ये 5 जून निश्चित कर दिया गया है। सो प्यारे बच्चियों ये जो पर्यावरण दिवस है कब शुरू किया गया, मैं पहले ही बता चुका हूं, अब फिर बता देता हूं, 5 जून 1972 को। फिलहाल तो 1972 को शुरू किया गया एनवायरमेंट डे, लेकिन जो उसकी डेट है वो 5 जून 1986 को निर्धारित की गई। सो क्यों जरूरत पड़ी प्यारे विद्यार्थियों, क्यों जरूरत पड़ी पर्यावरण दिवस मनाने की, क्या कमियां आ गई धरती पे, क्या क्या नुकसान हुए जिसके मद्देनजर हमें वातावरण मनाने की, पर्यावरण दिवस मनाने की जरूरत पड़ गई। प्यारे बच्चों धरती पर बहुत कुछ हो रहा है, जंगलों की कटाई बड़ी तेजी से हो रही है, धरती को खतरा हो गया है, उसी का नतीजा आज हम भुगत रहे हैं,
जो ये जो लॉकडाउन चल रहा है, जहां पर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, बहुत सी मौतें ऑक्सीजन के कारण हो रही है, क्योंकि धरती से वृक्षों की कटाई बहुत ज्यादा तेजी से हो रही है। सो इसीलिए ये वातावरण दिवस मनाया कि वातावरण को पहले बचाओ। कैसे बचाना है? ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाओ। जो फैक्ट्रियों का धुआं निकलता है उसको कम करो, जो पानी में गंदगी डालते हो उसको कम करो, जो कूड़ा करकट फैलाते हो उसको कम करो, क्योंकि जो पोल्यूशन जो इतना फैल रहा है, उसी से ही हमारा वातावरण, हमारा पर्यावरण, हमारा एनवायरमेंट गंदला हो रहा है। अगर हम इसी तरह से अपने एनवायरनमेंट को गंदला करते रहे, खराब करते रहे, तो वो दिन दूर नहीं जब हर कोई बीमारी से ग्रस्त होगा, और माँ के पेट से जब भी बच्चा पैदा होगा तो वो बीमारियां लेकर ही साथ में आएगा। सो प्यारे दोस्तों, ये हमने इस वातावरण को बचाना है, इस वातावरण को हमने बचाना है। हमारी धरती है जिस पर हम रहते हैं, ये देखिए कितने हाथ हैं जो पेड़ पौधे लगा रहे हैं। हमारे भारत की आबादी 1 अरब 30 करोड़ है। अगर हम 20 करोड़ इंसान ही पेड़ पौधे लगाने शुरू कर दें, तो हमारा जो धरती का पोल्यूशन है वो कम हो जाएगा। हमको लगाने पड़ेंगे, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें बिस्तर से उठना पड़ेगा, हमें जागना पड़ेगा, हमें दूसरों को जगाना पड़ेगा कि इस धरती को बचा लो, इस पर्यावरण को बचाओ। इसीलिए ये 5 जून निश्चित किया गया है कि इस दिन सबको याद आ जाए कि आज हमारी धरती पे जो पर्यावरण कम हो रहा है उसको कैसे बचाना। सो आज बड़े बच्चों ने कंपटीशन किए हैं, पेड़ पौधे लगाए हैं, कईयों ने चार्ट बनाए हैं, उस पे पेड़ पौधे की शक्लें बनाई है। सो प्यारे बच्चों, ये हमने इस दिन ही नहीं बनाना, 5 तारीख को ही, पूरा साल हमने पेड़ पौधे लगाने हैं, और जो पेड़ पौधे लगाए हैं उसको हमने संभालना भी है। जो हमने पौधा लगाया उसको पानी भी देना है, उसको बड़ा भी करना है। जब हम पेड़ पौधे लगाते हैं उसको बड़ा हो जाता है, तो वो हमें कितनी ऑक्सीजन देता है उसका कोई मूल्य नहीं है। अमूल अमूल ऑक्सीजन है जिसका कोई मूल्य नहीं होता। परमात्मा हमें, पेड़ हमें इतनी ऑक्सीजन फ्री में देते हैं। सो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पर्यावरण दिवस। पर्यावरण पे, एनवायरमेंट पे, वातावरण में मैंने ये आज आपको लेक्चर दिया है। इसको आपने याद करना है, अपनी कॉपियों पे लिखना है, ताकि आपको पता चल सके वातावरण क्या होता है। सो प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको लेक्चर दिया, आपको अच्छा लगे तो दूसरों को भी ये लेक्चर जरूर भेजना। सो कुछ अच्छी बातें हो जाए, अपने माता पिता का सदैव आदर कीजिए, अपने दादी बाबा का सदैव आदर कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। जल्दी उठिए, सुबह उठ के सारा अपना काम कीजिए, अपने माता पिता को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वो आपको कमा के खिलाते हैं, वो ही सबसे पहले आपके गुरु हैं। सो कोरोना वायरस का बहुत प्रकोप है, घर से मत निकलिए, हाथों को सैनिटाइज करिए और सोशल डिस्टेंस बना के चलिए। इतनी बातों को प्यारे बच्चों जरूर ध्यान में रखना, ध्यान में रख के चलना है। सो आज मैंने जो आपके लिए वीडियो बनाई है,
उसको शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना। अगर कोई गलती मुझसे हुई हो तो, क्योंकि आज मैंने ये पहली वीडियो हिंदी में बनाई है, कुछ मुझसे गलतियां हुई होगी, हुई भी है सो उनको इग्नोर कर देना, आगे से सुधार करूंगा। सो प्यारे बच्चों, इतना कहता हूं, आपसे इजाजत लेता हूं। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।